मैं आपको मिलाऊंगा अपनी बहन से अंजलि। भाई पढ़ाई के चक्कर में ये पढ़ते भी है फिर हम ही घूमते हो। हेलो गाइस नमस्ते, कैसे सब लोग आयो, आप लोग मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो मैं हूँ आपका सौरभ नोटिया लाल घाटी का लाल। और चलो फिर आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हो। तो मैं हूँ आ रखा हूँ देहरादून में और जो है आज मेरी बहन की मेहंदी है। तो आप लोग देख सकते हो, लोग आप देख सकते हो सारी मेरी बहन है। और ये शिवानी, हेलो। और ये रही, ये पता नहीं कौन है। आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे जो है मंगल स्नान की तैयारी हो रही है, तैयारी के मंगल स्नान हो रहा है। और बाकी सब जो है बिल्कुल येलो येलो में घूम रहे हैं यहाँ पे। तो ये रही सामने दुल्हन जी और ये कार्तिक और ये है हमारी बहन शिवानी। ये आप लोग देख सकते हो खाने की तैयारी हो चुकी है। और ये देखो ये शिवानी कैसे खा रही है। ये आप देख सकते हो पैनोली खानदान भूखा रह गएगा, एक नंबर का। ये नोटियाल बैठ रही इनके साथ। इसका क्या ही हाल है, ये दो साल से किसी से बात ही नहीं कर रही। मार्केट से लौटने के बाद मैं हो चुका हूँ बिल्कुल तैयार, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल जो है रेडी। और साथ में मेरी बहन है सपना, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोनों ने जो है मैचिंग मैचिंग पहन रखा है। वाओ! तो अब चलते हैं नीचे और आप लोगों को नीचे मिलते हैं। और शादी भी थोड़ी देर में आने वाली है और बहुत इंजॉय आएगा आप लोगों को, हम सब लोगों के साथ। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ है खाने की व्यवस्था और अनेक आइटम बन रखे खाने की। और बाकी ये रहा मेरा भाई ऋषभ और ये देखो अंकित भाई, बहुत ही मजा आ रहा है। अभी तो शादी आई नहीं लेकिन उससे पहले हम लोग क्यों ना कॉफ़ी पी जाए, क्यों भाई लोग? बिल्कुल बिल्कुल, चलो फिर कॉफ़ी पीते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं हम सब लोग बिल्कुल जो तैयार हो चुके हैं। ये देखो आप लोग, ये मेरे भाई बहन बिल्कुल जो है तैयार हो चुके हैं और थोड़ी देर में शादी आ जाएगी और फिर देखो यहाँ आएगा मज़ा आप सब लोग। और ये देखो मेरी दीदी है, बड़ी दीदी। तो मैं आपको मिलाऊँगा अपनी बहन से अंजलि पैनोली जी से। ना ना भट्ट सॉरी। आप लोग देख सकते हो लड़की के हाथ में बोतल है। ओहो उसने बहुत चालाक बन रही है, छोटी बच्ची के बाद दे दी उसने। तो हम लोग अभी खड़े हैं स्वागत के लिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिबन है। तो यहाँ पे जो है दूल्हा साहब आएंगे और रिबन काटेंगे। तो ये है मेरे साथ में शिवानी, वो इसका ही ब्लॉग है लेकिन ये ब्लॉग बनाती नहीं है, बहुत कम बना रही है। और आजकल पता नहीं क्यों बिजी है, बता दे भाई। पढ़ाई के चक्कर में ये पढ़ते भी है फिर हम ही घूमते हो। और आप देखो ऋषभ भी आ गया यहाँ पे। धीरे धीरे हम सब भाई लोग भाई बहन यहाँ पे पहुँच जाएंगे दूल्हे का स्वागत करने के लिए। और फिर जो है लेकिन एक सेकंड नाक में उंगली खुजली। आप लोग बने रहो क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है मेरे साथ यहाँ इस ब्लॉग में। बाकी शिवानी भी आज ब्लॉग शूट करेगी थोड़ी देर में। तो ये हम लोग अभी सजा रहे हैं पूजा की थाली। अनु दीदी और ये है हमारे साथ बड़ी दीदी जी। आप लोग देख सकते हो मेरी जितनी बहन है वो तैयार यहाँ पे खड़ी हो चुकी है दूल्हे का स्वागत करने के लिए। और आप लोग देख सकते हो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं सब जो है बारात का स्वागत करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। बाकी जो है मेरी बहने लोग तो है ही। मैं आपको बता दूँ बारात जो है पहुँच चुकी है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ सब जो है हम लोग जो है दूल्हे का स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ फटाके की आवाज आ रही है बहुत ही कि आप देख सकते हो बारात जो है पहुँच चुकी है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो बारात फाइनली पहुँच चुकी है और ये रहे हमारे दूल्हे साहब। हाँ हीरो लग रहे भाई। लोग देख सकते हो मेहमान जो स्टार्ट हो चुके हैं और ये है सापट्टा वाले जो है 11 लोग पहले जाते हैं और उसके बाद जो है हमारी शादी आएगी।
फाइनल जो है बारात पहुंच चुकी है, आप लोग देख सकते हो दूल्हे जो ऊपर बैठ चुके हैं स्टेज पे, और बाकी ये लोग ये सारे मेहमान हैं, और बाकी हम लोगों ने जो है लगभग जो है 21,000 रुपये मांगे, तो बहुत बहुत बधाई हो सबको, पर मिले नहीं। आज मैं आपको मिलाऊंगा अपने लंबे भाई से, मुझसे लंबा है लेकिन छोटा है और बहुत ही अच्छा है, कुछ बोलना चाहेगा? हैप्पी दिवाली। आप देख सकते हैं जो